Hello friends, good morning and welcome back to my channel Smita's Creativity. अभी time है exactly 6 o'clock and आदित्य और मैं दोनों निकल चुके हैं. Morning. हमारे destination पे कहाँ जा रहे हैं आपको आगे जाके पता चलेगा. हॉलीडेज़ पे जाने का जो क्रेज़ है वो बहुत अलग होती है और यू नो एक्साइटमेंट एकदम बहुत जैसे लगता है कि जाएंगे क्या क्या करेंगे कितना दिन रहेंगे वो होता है सोने पे सुहागा. अर्ली मॉर्निंग में सनराइज़ का व्यू शेयर करना मुझे बहुत अच्छा लगता है आप लोगों के साथ. आप लोगों को भी अच्छा लगा होगा कि अर्ली मॉर्निंग में कोई भी चीज़ स्टार्ट करने का एनर्जी एक अलग होती है. सो आज भी मुझे वही फील हो रहा है. हम लोगों ने लगभग 5 o'clock उठ गए थे. उठ के जो काम है उसको फिनिश करके एक एक कप चाय पी के निकल चुके हैं और कहाँ जा रहे हैं फिर क्वेश्चन मार्क. चलिए आप लोगों को बताती हूँ. फ्रेंड्स हम जा रहे हैं कोटागिरी जो लगभग हमारे घर से 315 किलोमीटर्स है और ऊटी से लगभग 30 किलोमीटर्स पर है. सो एक बड़े ग्रुप जा रहे हैं. सो मज़ा ही कुछ अलग है. इतने लोगों के साथ जाके वहाँ पे एंजॉयमेंट दुगना हो जाएगा. हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल संतास क्रिएटिविटी. कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेफ होंगे. वो हम जा रहे हैं कोटागिरी और रास्ता में रोक के अभी एक्चुअली थोड़ा सा बात कर रहे हैं. 4 कार जा रहा है तो थोड़ी देर रुक के फिर निकलेंगे. चलिए मेरे साथ बने रहिए पूरा ब्लॉग को देखते हैं. हम लोग एक बड़े ग्रुप है, लगभग 18 पीपल आर गोइंग इन 4 कार्स. सो यहाँ पे हम लोगों ने ब्रेक लिए हैं ब्रेकफास्ट खाने के लिए. सो फटाफट ब्रेकफास्ट का काम ख़त्म करेंगे फिर आगे जाएंगे. हम लोग का प्लान है कि हम लोग कोटागिरी में पहुंच के वहाँ पे लंच करेंगे. जो बहुत सारे लोगों के साथ जाने का एक एक्साइटमेंट रहता है, क्रेजीनेस रहता है, वो यहीं से ही हम लोग फील करने लगे हैं. ये है हमारा लेडीज़ ग्रुप. सो एक स्टील पिक्चर लिया मैंने यहाँ पे ऐड कर देने के लिए. और ये है हमारा कुकी. सो कुकी हमारे जो पूरा ग्रुप का सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है. वो जा रहे हैं बच्चों के साथ. 5 children आर गोइंग इन 1 car अलॉन्ग विथ कुकी. एंड कुकी को आप लोगों को पूरा ब्लॉग में पूरा ये जर्नी में देखने को मिलेगा और आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा, ये मेरा गारंटी है. एक्चुअली हम लोग जाएंगे ऊटी जाएंगे 36 hairpin बेंड दे के और उसके बाद ऊटी से हम लोग कोटागिरी जाएंगे. सो ये है हमारा प्लान. यहीं जहीं पे हम लोग थोड़ा सा रेस्ट ले रहे हैं, थोड़ा सा यू नो लाइक जो लोग गाड़ी चला रहे हैं उन लोगों को भी थोड़ा सा ब्रेक लेना ज़रूरी है. कोई टेंडर कोकोनट वाटर पीने के लिए भी इंटरेस्टेड है. सो इसलिए रास्ते में हम लोग 5-7 मिनट ऐसे 5-10 मिनट ब्रेक लेके चलेंगे और आप लोगों को वही टाइम में मैं जो आसपास होगा जो हमारे एक्टिविटीज़ होगा वो आपके साथ शेयर करूँगी. अरे बाबा फ्रेंड्स, हम लोग लगभग मैसूर क्रॉस कर चुके हैं. अभी हम लोग बंदीपुर जो फॉरेस्ट है उसके अंदर जा रहे हैं. वो क्रॉस करने का टाइम डेफिनेटली रास्ते में कुछ अभी देखूंगी तो आप लोगों के साथ शेयर करूंगी. ये जो बंदीपुर ये में फॉरेस्ट में जनरली बहुत सारे डियर देखने को मिलते हैं. फिंगर्स क्रॉस देखते हैं कुछ रास्ते में हम लोगों को देखने के लिए मिल रहा है कि नहीं. अभी एक्चुअली ऑलरेडी धूप हो चुकी है ना, सो मुझे लगता है कि एनिमल्स वगैरह इतना दिखाई नहीं देंगे. बट एनीवे सो होप फॉर द बेस्ट. चलिए आप लोगों के साथ शेयर करूंगी अभी बंदीपुर और उसके बाद मुदुबलाई फॉरेस्ट. ये दोनों फॉरेस्ट देखने में से आप लोगों को भी मज़ा आ जाएगा. सो चलिए हमारा इंतज़ार ख़त्म. हर यहाँ पर डियर देखने को मिल गए हैं. हम लोग गाड़ी को थोड़ा सा स्लो करके इसको ये नज़ारा को एक्चुअली एंजॉय कर रहे हैं. और आप लोगों के लिए तो शूट करना बनता है ना, आप लोगों को दिखाऊंगी ये कितना अच्छा लगता है. ये नेचुरल ब्यूटी जितने बार आप देखो उतने बार ही नया लगता है. लगभग ये रास्ते में हम लोग 25 बार गए होंगे और हर बार कुछ ना कुछ देखने को मिलता है. और जो देखने को मिलता है ना वो नया लगता है. देखिए यह कितना सुंदर
सुंदर एक नज़ारा है जिसको मैंने जो कैमरा बंदी करना या कैमरा में कैप्चर करना बोलते हैं ना, उसको कर दिया। और ये मेरा ब्लॉग में रहेगा, मेरा जब मन करेगा मैं तब देखूंगी इसको। फ्रेंड्स, अभी हम लोगों ने बंदीपुर जंगल क्रॉस कर चुके हैं, फॉरेस्ट। सो ओनली डियर देखने को मिला और बहुत सारे मंकीज हम लोगों ने देखे। जनरली एलिफेंट देखने को मिलता है बट इस बार नहीं मिला। चलो अभी इससे निकल के हम लोग जा रहे हैं मुदुबलाई फॉरेस्ट के अंदर। मुदुबलाई फॉरेस्ट के अंदर कुछ देखने को मिलेगा तो आप लोगों को भी देखने को मिल जाएगा ये व्लॉग में, नहीं मिलेगा तो जो जंगल का नेचुरल लुक है वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। सच में आप लोगों में से जो बैंगलोर में रहते हैं जो फ्रेंड्स मेरे, वो लोग डेफिनेटली ऊटी गए होंगे। आप लोगों को पता है ऊटी जाने के लिए ये मुदुबलाई फॉरेस्ट क्रॉस करने के बाद ही मसीनागुड़ी आता है और मसीनागुड़ी से एक रास्ता जाता है शॉर्टकट 36 हेयरपिन बेंड्स टुवर्ड्स ऊटी, और एक लंबा रास्ता जाता है, वो ज़्यादा सीनिक है बट ये थोड़ा सा 50 किलोमीटर्स ज़्यादा है। बट जाने के टाइम जो हम लोगों को जल्दी जाना रहता है या हम लोगों को जल्दी ऊटी पहुंचना रहता है तो हम लोग चूज करते हैं 36 हेयरपिन बेंड्स। सो हमारे कार में मैं और आदित्य हूँ और मेरी फ्रेंड का बहन, उसका बेटी और उसका केयर टेकर, हम पाँच जा रहे हैं। सो छोटी बच्ची है, हर डॉटर इज़ जस्ट 1 ईयर ओल्ड, तो थोड़ा सा धीरे करके हम लोग चला रहे हैं। और देखिए ये नज़ारा सामने, नीलगिरीज है। हम आप लोगों के साथ ये शेयर करते वक्त ना मुझे गूज़बम्प आ जाता है, कितना सुंदर नज़ारा है। नीलगिरी बोलते हैं ना, पूरा ब्लू माउंटेन्स, कितना सुंदर नज़ारा है और कितना ब्यूटीफुल लग रहा है। कैमरा जस्टिस कर पा रहा है कि नहीं मुझे नहीं पता। ये पैच डेफिनेटली मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। इतना सुंदर ग्रीनरी और इतना सुंदर रोड, जो पहली बार मैं नहीं देख रही हूँ बट आप लोगों को दिखाना, मैंने सोचा कि आप लोगों को दिखाना तो बनता है। ये जो जब गाड़ी जाता है इसके अंदर लगता है लिटरेरी की ग्रीन शेड के अंदर गाड़ी चल रहा है, और दूर में आप लोगों को नीलगिरी रेंज ऑफ माउंटेन्स दिखता है। एंड इसको जो जितना मैं आप लोगों को बोल के नहीं बता सकती, इसको ओनली महसूस किया जा सकता है। सो और क्या बताऊँ, आप लोगों को देख के पता लग गया होगा कि मैं कितना खुश हूँ आज ये ट्रैवल करने के टाइम में। फ्रेंड्स, यहाँ पे रुक के हम लोग थोड़ा सा नेचुरल एनवायरनमेंट में जो फ्रेश एयर ले रहे हैं। कोटागिरी और लगभग 15 किलोमीटर से हम जो रिसर्ट में रहते हैं यहाँ से। सो जैसे बोल रहे थे ना, मेरी एक छोटा बच्चा है हमारे साथ, वो भी थोड़ा कन्फाइंड एरिया में रह के बोर फील कर रही थी। सो हम लोगों ने सोचा कि थोड़ा सा फ्रेश एयर लिया जाए और फोटोशूट किया जाए और उसको भी थोड़ा ब्रेक मिल जाएगा, उसको भी बाहर आके थोड़ा सा अच्छा लगेगा, इसलिए ये ब्रेक ले हैं हम लोग। चलिए आप लोगों को एक चीज़ दिखाती हूँ। ये फार्मिंग एरिया है जिसको आप लोगों को दिखाने के लिए मैं बोल रही थी। जो डार्क ग्रीन पैच आप देख रहे हैं ना, ये ब्रोकली है, और उसके पीछे जो ग्रीन पैच आप देख रहे हैं वो है लेट्यूस। सो ऊपर खड़े होके इसको आदित्य सूट कर रहे हैं मेरे लिए। सो आप लोगों को और थोड़ा सा नज़दीक जाके दिखा रही हूँ, ये है ब्रोकली। सो देखने से कितना अजीब लगता है, कितना अच्छा लगता है कोई फार्मिंग लैंड। मुझे मेरा एक सपना है कि हमारा एक फार्म हाउस और ये सब चीज़ मैं वहाँ पे उगाऊँ। देखते हैं भगवान मेरे इच्छा सुनते हैं कि नहीं। और यहाँ पे आदित्य और मैं एक स्टील फोटो लिए हैं जिसको मैं यहाँ पे अटैच कर देती हूँ, और हमारा जर्नी स्टार्ट हुआ थोड़ी देर ब्रेक लेने के बाद। अभी सीधा जाके पहुँचेंगे रिसॉर्ट पे और पहुँच के आप लोगों के साथ बात करती हूँ। तो
remember any of these. हमारा इंतजार खत्म, आके पहुंच गए हैं डेस्टिनेशन पर। ये है ग्रीन नेस्ट रिसोर्ट कोटागिरी, जहाँ पे हम लोग आके पहुंच गए। हमारे चारों कार यहाँ पे पार्क कर रहे हैं, सब पार्क होएगा यहाँ पे, और हम लोग जाएंगे अंदर। और पेट के अंदर चूहे दौड़ रहे हैं, भूख लग रही है, चलिए लंच करते हैं। फ्रेंड्स, बहुत टाइम के बाद आप लोगों के साथ मिल रही हूँ शाम के चाय के साथ। चाय और अनियन पकौड़ा हम लोग एक्चुअली एंजॉय कर रहे हैं यहाँ पे बैठ के। और आशा करती हूँ आज का पूरा दिन, जैसे जैसे हम लोगों ने ट्रैवल किए, कहाँ पे ब्रेक लिए, क्या क्या किए, आप लोगों के साथ मैंने शेयर किया, और आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा। इफ़ यू लाइक एनीथिंग अबाउट दिस वीडियो, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड कमेंट डाउन बिलो। डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन एंड ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिएगा, यू विल गेट नोटिफाइड व्हेन आई शेयर द वीडियोज इन माई चैनल। एंड आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे बहुत जल्द और एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, आई लव यू ऑल।